नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विपक्षी दलों ने ये गलत कदम उठाया है और विपक्षी दलों को इसे जनता के बीच ले जाना चाहिए था। उन्हें समझाना चाहिए था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का उपयोग करके हिसाब बराबर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी ने कहा कि यह एक गलत कदम था, यह राजनीति करने का सही तरीका नहीं है। जब हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा जैसी एक दुर्जय प्रतिद्वंदी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में विपक्षी दलों का सुप्रीम कोर्ट जाना एक नासमझी भरा फैसला था। अब इससे बीजेपी को यह कहने का मौका मिल गया है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा समर्थन कर रहा है। 14 राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर मनमाने इस्तेमाल और भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती और उनके भी आम नागरिकों जैसे ही अधिकार हैं। मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती, इसके बाद याचिका वापस ले ली गई है। सीजेआई ने आगे कहा कि राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिक के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। हम ये कैसे आदेश जारी कर सकते हैं कि तिहरे टेस्ट के बिना गिरफ्तारी ना करें? सीआरपीसी में पहले ही प्रावधान है, आप गाइडलाइन मांग रहे हैं लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए होगा। राजनीतिक नेताओं को कोई उच्च इम्यूनिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें, शीर्ष अदालत मलयालम न्यूज चैनल पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई कर रही थी। इसने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यों की चैनल द्वारा आलोचना को राष्ट्रीय विरोधी या सत्ता विरोधी नहीं माना जा सकता है और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। बारन बेंच के अनुसार भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की बेंच ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चैनल के कुछ प्रसारणों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में ठोस तथ्य होने चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अवार्ड लेने पहुंचे उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव और परिवार के कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बीते साल लंबे समय से बीमार रहने के बाद अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने आचार्य डॉक्टर सुकामा देवी को पद्मश्री से, प्रेमजीत बारिया को पद्मश्री से और ऑस्कर जीतने वाली आरआरआर फिल्म के प्रसिद्ध गाने की रचना करने वाले संगीतकार एमएम किरावनी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत से बेल ना मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले दिल्ली की कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 17 अप्रैल तक कर दिया था। सीबीआई का मानना है कि इस मामले की जांच अहम चरण पर है और ऐसे में सिसोदिया को रिहा करने से कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया की दलील थी कि उनको हिरासत में रखने से सीबीआई को कुछ नहीं हासिल होगा। मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई ने मामले से जुड़े सभी सबूतों को पहले ही जब्त कर लिया है और अब उनको परेशान करने के लिए हिरासत में रखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में अब भी कुछ नहीं बदला है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में आजाद ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि चुनावी हार जीत में कांग्रेस नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं है और उसका किसी भी सीट पर कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही जीत की उम्मीद करती है जहां लोकल लीडरशिप मजबूत है। 2024 के लिए चल रही विपक्षी एकता की संभावना से भी गुलाम नबी आजाद ने साफ इनकार कर दिया। गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने भी उन पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा कि गुलाम नबी भाईजान, आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे? पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। 40 साल कांग्रेस में रहकर आपने पार्टी के साथ दगा कर दी, अब भाजपा व मोदी जी की बैसाखियों के सहारे क्या हासिल कर लेंगे? वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी
आजाद को निशाने पर लिया और कहा कि गुलाम नबी आजाद को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस का नेतृत्व ही था जिन्होंने उनको आजाद बनाए रखा। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को क्या कुछ नहीं दिया, इसका गुलाम नबी आजाद ने जो सिला दिया उससे उन्होंने अपने नाम को गंदा किया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच आज कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने कहा कि वे आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। किच्चा सुदीप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी और कहा कि बीजेपी ने कठिन समय में मेरा साथ दिया था, मैं अब उनका समर्थन करूंगा, मैं केवल भाजपा के लिए प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। किच्चा सुदीप ने आगे कहा कि वे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का समर्थन करने आए हैं और वे जिस भी पार्टी में रहेंगे उसका समर्थन करेंगे। बिहार में हुई हिंसा पर मचे हंगामे के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हाल ही में रामनवमी समारोह के दौरान हुई हिंसक झड़पें दंगों को हवा देने के लिए एक सुनियोजित साजिश है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से बात की है और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, कुछ दिनों पहले भी बिहार और तमिलनाडु के लोगों में विवाद पैदा करने की कोशिश की गई और अब ये दंगे कराए गए हैं, हम इसे नहीं सहेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि दंगों की प्लानिंग की गई थी और जहां अमित शाह आने वाले थे उसी सासाराम में दंगे हुए और दूसरी जगह बिहार शरीफ जो मेरे बहुत करीब है। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दो लोग बिहार में इधर उधर कर रहे हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट बनकर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया गया है, जल्द ही हिंसा का सच सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में दंगा कराने की कोशिश की गई है लेकिन ये लोग अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया शासन चल रहा था लेकिन इन लोगों को कुछ है जी, ये लोग सब चीज पर अपना कब्जा कर लिए हैं और जहां भी बढ़िया काम हो रहा है वहां काम डिस्टर्ब करते हैं। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार को पुलिस ने मंगलवार देर रात उनके करीमनगर स्थित आवास से हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना बीजेपी चीफ को ऐसे समय में हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन बाद 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस देर रात करीमनगर में बंदी संजय के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। बंदी संजय को हिरासत में लिए जाने के समय वहां पर तनाव की स्थिति बन गई जब बीजेपी नेता के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस बंदी संजय को उठाकर ले गई और उन्हें वैन में बिठाया। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता को नालगोंडा जिले के बोबल्ला रामाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। हालांकि अभी तक हिरासत के पीछे की वजह नहीं सामने आई है। वहीं बीजेपी ने बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव प्रमेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की कोशिश है। आखिर बंदी संजय कहां चले जाते, उन्हें सुबह कानूनी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी। रेड्डी ने सवाल किया कि एक सांसद के खिलाफ आधी रात को इस कार्यवाही की क्या जरूरत थी, अपराध क्या है और क्या केस है, वे हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये केवल इसलिए है कि वह पेपर लीक मामले पर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। रेड्डी ने आगे कहा कि हम पुलिस की इस कार्यवाही के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने नए सत्र के लिए 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से महात्मा गांधी की मौत का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर प्रभाव, गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध सहित कई पाठ हटा दिए गए हैं। हालांकि NCERT ने दावा किया है कि इस बार पाठ्यक्रम में कोई भी काटछांट नहीं की गई है और पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष जून में युक्तिसंगत बनाया गया था। वहीं NCERT के निदेशक दिनेश सकलानी का कहना है कि ये कवायद पिछले वर्ष की गई थी और इस वर्ष जो हुआ वो नया नहीं है। हालांकि बिना घोषणा के युक्तिसंगत बनाने की कवायद के परिणाम स्वरूप हटाए गए अंशों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। आज IPL में गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने हैं। संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद पंजाब ने 14 ओवर में एक विकेट खोकर 140 रन बना लिए थे, जिसमें शिखर धवन और प्रभ सिमरन सिंह का अर्धशतक शामिल है। अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। वहीं पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com पर।